हम लोग अपने शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशक के हम लोग 2019 में परीक्षा दिए थे, 19 में क्वालिफाई हुए, इसमें 2200 का लगभग नियुक्ति हो चुका है। हम लोग 1500 अभी भटक रहे इधर से, हम लोग साल दो साल से दौड़ रहे, अब हो जाएगा बहाली, तब हो जाएगा अधिकारी से अभी संतान मिला कि आप लोग जल्द नियुक्ति निकाला जाएगा, अभी तक नहीं। आज हम लोग यहाँ जदयू कर आए, माननीय मंत्री भवन निर्माण मंत्री से बात हुआ, बोले कि आप लोग का अशोक चौधरी जी से, वो बोले कि आप लोग का सोल्यूशन निकाल कर विभाग से हम बात। अच्छा, इसमें दोषी कौन है, क्यों आप लोगों को ऐसे वंचित छोड़ दिया गया? अब दोषी अब किसको कहा, विभाग को अब प्रक्रिया में बहाली दिन है, प्रक्रिया है के कारण हम लोग फंस गए, प्रक्रिया दिन में बहाली है, प्रक्रिया दिन फाइल को अभी उसी तरह रखा हुआ है, फाइल पर अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ है। अभी हम लोग का प्रक्रिया 2200 नियुक्ति हो गया, उसके बाद हम 1500 बचे हुए हैं और सीटों की संख्या 6020 अभी बचे पड़ी है बिहार, 6022 बोले हैं कि आइए दो चार रोज में हम बात करके मैंने ये करेंगे। अभी फ़ोन लगाकर बात किए हैं, सकारात्मक बात मिला है, उन लोगों के पक्ष में बात किए हैं और बुलाए हैं कि दो चार रोज में आइए और बात कीजिए, आप लोगों का काम हो जाएगा। क्या लगता है कि आप लोगों की मांगे जो है पूरी हो जाएगी? अब देखिए, मंत्री जी से तो बात हुई, वो तो विभाग में बात करके आश्वासन भी दिए कि हम लोग दो चार दिन में, आप लोग आइए चार पाँच आदमी, पूरा जुट होके नहीं आइए, दो चार पाँच आदमी आइए आप लोग, दो चार पाँच स्टूडेंट, और उसमें आप हम मंत्री जी से या उसने सोल्यूशन निकाल के आप लोगों का काम बहाली करवाएंगे, ऐसा सकारात्मक जवाब दिए हैं। और कोई और कुछ बोला गया? आश्वासन ये दिए हैं कि आप लोग अधिक संख्या में मत आइएगा, पाँच लोग आइएगा, चार पाँच लोग, और हम बातचीत करके विभाग से जैसा भी होगा बहाली कराने का प्रयास करेंगे। अच्छा, और लोग जो आपके साथ थे उनका हो गया, आप लोगों में क्या परेशानी आ रही? परेशानी कुछ नहीं था, हम लोग काउंसलिंग परेशानी कुछ नहीं थी पहले चरण, फिर काउंसलिंग रोक दी गई, उधर सरकार बदल गई, इसीलिए हम लोग अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। और 6022 पद ऑलरेडी रिक्त हैं, जिसमें से लगभग 1500 बच्चों की ज्वाइनिंग होनी है, सभी लोग स्टेट एसटीईटी क्वालिफाइड 2019 फिजिकल टीचर हैं। अशोक चौधरी जी क्या बोले हैं? आज बोले कि आप लोग बात किए माननीय प्रमुख सचिव से, तो वो कहीं क्षेत्र में निकले हुए हैं, बोले कि आइए आप लोग दो चार दिन में, हम इस पर आप के पाठक सर से हम बात करके आप लोग का सोल्यूशन निकालेंगे। अच्छा, मान लीजिए आज आप लोगों ने मिला, आश्वासन भी मिला, लेकिन आगे अगर नहीं होता है आप लोगों का तो क्या? आगे हम लोग अपना रणनीति तैयार करेंगे, आप सोचेंगे, विचार करेंगे, हम लोग फिर धरना देंगे, लाठी डंडा खाएंगे, हाँ खाने के लिए तैयार हैं सर, क्या करें हम लोग, हम लोग के पास कोई उपाय नहीं है, चार साल से भटक रहे हैं, 2019 में हम लोग पास किए हैं और 23 हो गया, 24 चढ़ने वाला है, उम्र भी पार करने वाला है, उम्र लास्ट है, लास्ट स्टेज, हाँ एज पार होने वाला है, तब ना हम लोग कहना चाह रहे हैं सर, हम लोग को नियुक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को ज्वाइन करवा दें, बस वही चाहिए हम लोग को। आश्वासन भी दिया गया है, क्या पता आश्वासन ही न रह जाए, ऐसा ऐसा आश्वासन हम लोग को बहुत मिला है, ये हम लोग के ऐसा आश्वासन पर विश्वास नहीं रहता, विश्वास नहीं है ना, रहता आज वाला पर विश्वास है, हाँ दीजिए नंद सर, आज वाला पर विश्वास है, हम लोग से बात हुआ है, विश्वास है, विश्वास है, विश्वास है, विश्वास है, अशोक चौधरी पर विश्वास है हम लोग, किन पे विश्वास है? अशोक चौधरी, क्या लगता है कि अब आपका जो, हाँ बोले हैं कि हम आप लोग के लिए बात करेंगे और पांच आदमी आप लोग आइए, इतना की संख्या में नहीं आइए, देखिए बुलाए हैं। तो चलिए, अभी हम जदयू कार्यालय के पास थे और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि एसटीईटी 2019 के जो अभ्यर्थी लोग हैं वो लोग यहाँ पर पहुँचे थे और इनसे मंत्री जी अशोक चौधरी मिले भी और उनका आश्वासन भी मिला है, कह रहे हैं कि हमारी मांगे जल्द ही पूरी कर ली जाएगी।